कंप्यूटर शिक्षकों की सरकारी भर्ती करे सरकार, भाटी संविदा व अनुबद्ध भर्ती बेरोजगारों के लिए अभिशाप। राजस्थान के सिरोही में राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष दशरथ सिंह भाटी ने राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजकर कंप्यूटर शिक्षकों को सरकारी भर्ती करने की मांग की। महासंघ के मीडिया प्रभारी गोपाल सिंह राव ने बताया कि राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षा का जंजाल बनी हुई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों तथा महाविद्यालयों में एक भी कंप्यूटर शिक्षक का पद सृजित नहीं है। कंप्यूटर शिक्षा के बारे में लोग लुभावनी बातें करने वाले गहलोत सरकार तथा पूर्व की सरकार ने विगत 13 वर्षों से कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत के बाद भी कंप्यूटर शिक्षकों की सरकारी भर्ती नहीं की है। सरकारी स्कूल तथा कॉलेजों की कंप्यूटर लैबों पर अधिकांश जगह ताले लटक रहे हैं। सरकार निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती नजर आ रही है। सरकार ने स्कूली शिक्षा व महाविद्यालय शिक्षा में कंप्यूटर के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के पद सृजित नहीं किए हैं। राज्य के प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालयों में कहीं कहीं अनुबंध के आधार पर प्रशिक्षित कंप्यूटर शिक्षक लगे हुए हैं, लेकिन उनका भविष्य भी अधर झूल में है। संविदा और मानदेय के आधार पर राजस्थान में जो बेरोजगारों को लगाया जाता है वह बाद में एक अभिशाप साबित होता है। राजस्थान में जितने भी संविदा के आधार पर, मानदेय के आधार पर रखे गए हैं, उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन उनको स्थायीकरण का अवसर नहीं मिला। राजस्थान सरकार उसी विसंगति को वापस पैदा करने के लिए राजस्थान में 10,000 के लगभग कंप्यूटर शिक्षकों की अनुबंध के आधार पर भर्ती कर रही है, जो सरासर ठीक नहीं है। 10,000 बेरोजगारों का वापस वही हाल होगा जो पहले संविदा और मानदेय के आधार पर लगे पंचायत सहायकों का, विशेष शिक्षकों का हो रहा है। तो राजस्थान सरकार से हम निवेदन करते हैं कि ये मानदेय और संविदा के आधार पर जो भर्ती होती है उस भर्तियों को बंद किया जाए और उनके स्थान पर स्थायी भर्ती की जाए, जिससे बेरोजगार है उनको स्थायी रोजगार मिल सके। नमस्ते, ये जैसे गवर्नमेंट ने अभी निकाली है कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती, तो ये सरकार का ये निर्णय है कि इनको संविदा पर ले रहे हैं, तो संविदा पर ना ले करके इनको आरपीएससी के माध्यम से अगर सीधी भर्ती निकाले और इनको स्थायी नियुक्ति दी जाए, तो ये कंप्यूटर शिक्षकों के लिए और सभी कार्मिक जो भी इस तरह से लगते हैं उनके लिए अच्छा एक फैसला होगा, उनके हित में होगा, क्योंकि ये संविदा पर लगा करके एक ऐसी मोहर लग जाती है इन पर जो जिंदगी भर इनके यूं ही काम पर, मतलब बिना कम वेतन के और बहुत ही कम मानदेय में उनको पूरी जिंदगी भर घिसते हैं, और ना ही उनको जो उनका हक होता है, जो उनके अन्य तरह के जितने भी लाभ होते हैं वो कुछ भी उनको सबसे वंचित रखा जाता है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इस तरह की ये भर्तियाँ या किसी भी विभाग में ऐसी भर्तियाँ संविदा पर ना निकाल करके स्थायी लिया जाए, ताकि कम से कम जो भी बेरोजगार है उनके साथ थोड़ा न्याय हो और ये उनके लिए हित में फैसला हो। अगर देना ही है तो आप पूर्ण रूप से उनको रोजगार दीजिए, ऐसे आप अदर में रखते हैं, ना वो बंदा इधर का रहता है ना उधर का रहता है, और उनका जीवन और उनके परिवार का जीवन भी इस तरह से ना उनको रोजगार ढंग का मिल पाता है। तो एक ही निवेदन है कि आप लगाएं तो स्थायी लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। नमस्कार, आज के युग में संविदा पर कार्मिक का लगाना गवर्नमेंट का गलत जो का निर्णय है, क्योंकि इसके द्वारा जो उनको जो मानदेय मिलना चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार वो नहीं मिलता है, और इस प्रकार से ये 4-5 साल 8 साल से लगभग ऐसे ऐसे विभाग में लगे हुए लोग हैं जो 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 कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं, उनको वेतन मात्र 7,000 से 10,000 रुपये ही मिलता है, तो इसके द्वारा उनका उनका परिवार तो क्या, उनके खाने पीने का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। तो अभी जैसे वर्तमान में कंप्यूटर का शिक्षक की संविदा पर भर्ती निकाली है वो भी सही नहीं है। जो गवर्नमेंट को जो भी का टीचर जो उनकी जो का योग्यता अनुसार लगे गए हैं उनको परमानेंट या स्थायी जो करें, और आगे की ऐसी रणनीति बनाएंगे कि कोई भी कार्य का संविदा पर काम नहीं करेगा, जो करेगा वो स्थायी रूप से करेगा, ताकि उनका आर्थिक शोषण नहीं हो, उनका परिवार अच्छा का चलता रहे।